प्रश्न है फीचर वी यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स इन बिटवीन अ स्लाइड एग्जिस्ट एंड एनअर इंटर इच एक स्लाइड से बाहर निकलने और दूसरे में प्रवेश करने के बीच में जो स्लाइड मोशन लागू होता है उसे क्या कहा जाता है ऑप्शन ए स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन बी स्लाइड डिजाइन ऑप्शन सी एनिमेशन ऑब्जेक्ट या ऑप्शन डी एनिमेशन स्कीम इसका सही आंसर होगा स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन नंबर ए अगला प्रश्न है वह मेनू जिसमें हम स्लाइड डिजाइन स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं पा सकते हैं क्या कहलाता है मेनू इन विच वी कैन फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिजाइन स्लाइड लेआउट आउट इट इज ही ऑप्शन ए इंसर्ट मेनू ऑप्शन बी फॉर्मेट मेनू ऑप्शन सी टूल्स मेनू या ऑप्शन डी स्लाइड शो मेनू इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट मेन्यू फॉर्मेट मेन्यू इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स इज ऑप्शन ए एफ़ ऑप्शन बी शिफ्ट एफ ऑप्शन सी अल्ट एफ या ऑप्शन डी कंट्रोल एफ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल एफ ट्वेल्व अगला प्रश्न है कृषि प्रजेंटेशन में स्लाइड्स को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रजेंटेशन आर कॉल्ड ऑप्शन ए इफेक्ट्स ऑप्शन बी कस्टम एनिमेशंस ऑप्शन सी ट्रांजिशंस या ऑप्शन डी प्रजेंट एनिमेशंस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिशंस नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रस्तुति को सेव करने के लिए क्या किया जाता है टू सेव अ प्रजेंटेशन ऑप्शन ए क्लिक सेव ऑन विंडोज स्टार्ट बटन ऑप्शन बी प्रेस कंट्रोल प्लस एफ फाइव ऑप्शन सी सेलेक्ट फाइल सेव फ्रॉम द मेन्यू या ऑप्शन डी क्लिक द सेव बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेलेक्ट फाइल सेव फ्रॉम द मेन्यू अगला प्रश्न है कौन सा बटन दबाकर आप वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों का पता लगा सकते हैं यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर ईयर्स बाय प्रेसिंग ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस एफ सेवन ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एफ सेवन ऑप्शन सी अल्ट प्लस एफ सेवन या ऑप्शन नंबर डी एफ सेवन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एफ सेवन अगला प्रश्न है ऑटो करेक्ट को मूल रूप से किसको रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया था ऑटो करेक्ट वाच ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस ऑप्शन ए शॉर्ट रिपेटेटिव वर्ड्स ऑप्शन बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड्स ऑप्शन सी मिसपेल्ड वर्ड्स या ऑप्शन डी कैपिटल लेटर्स तो ऑटो करेक्ट को डिजाइन किया गया था मिसपेल्ड वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा मिसपेल्ड वर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हम किसका उपयोग करके सभी स्लाइड्स के फोन्ट्स को दूसरे फॉन्ट में बदल सकते हैं वी कैन रिप्लेस अ फंड ऑन ऑल साइट्स विच अनादर फंड यूजिंग द ऑप्शन वन एडिट फंड ऑप्शन ऑप्शन टू टूल फंड ऑप्शन ऑप्शन थ्री टूल्स रिप्लेस फंड ऑप्शन या ऑप्शन डी फॉर्मेट रिप्लेस फंड ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट रिप्लेस फंडस ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑप्शन ए डाटाबेस प्रोग्राम ऑप्शन बी स्पीड प्रोग्राम ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम या ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिकसन इफेक्ट ऑप्शन ए ब्लिंग डायगोनल ऑप्शन बी डिजॉल्व ऑप्शन सी फेड थ्रू ब्लैक ऑप्शन डी प्लांट्स वर्टिकल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लिंक्स डायगोनल